और फैमिली वेलफेयर सेंटर में ये जवानों को बुलाते हैं, बाय ऑर्डर जवानों की मेन साहबों को बुलाते हैं। जवानों की मैडम अगर नहीं आई तो उनको धमकी दे दी जाती है, आपके हस्बैंड को हम बोरी बिस्तरा गोल करवा देंगे। ये कौन सा लैंग्वेज, कौन सी भाषा है? आप जवानों की मैडम, जवान ने किसी कारण बस अपनी फैमिली रखी है, अपने बच्चे रखे हैं, किसी समस्या की वजह से घर में हालात ठीक नहीं है या कुछ दुख बीमार है, चलो मिलिट्री हॉस्पिटल में इलाज हो जाएगा, जवान लाता है अपनी परेशानी से, लेकिन उसको फैमिली वेलफेयर सेंटर में स्ट्रेस किया जाता है क्योंकि इनकी मेन साहब लोगों को भी कमांड करनी है। इनकी मेन साहब लोगों को कमांड करने के लिए चाहिए क्योंकि घर में खाना बनाने के लिए जवान है, जूता पॉलिश करने के लिए जवान है, घर की सफाई करने के लिए जवान है। 20 से 25 से 30 जवान तक इनके घरों में लगे रहते हैं, जो कि एक सबसे बड़ा घोटाला है, सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। इस पर कोई नजर नहीं रख रहे लोग, इस पर कोई बोलने को खुश नहीं है, लेकिन हम बोलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। इनकी मेन साहबों की जो दादागिरी सेना में चल रही है अफसरों की, इन अफसरों ने अपनी मेन साहब लोगों को आगे कर रखा है। कहीं भी अगर कोई वीआईपी अफसर आता है तो जूनियर अफसर अपनी मेन साहब को, लोगों को वहां रिसेप्शन में भेज देंगे। इस प्रकार से इन लोगों ने अपनी एक यूनिटी बना रखी है, सीनियर अफसर से जूनियर अफसर तक सब एक हैं, ये मिले हुए हैं। इन्होंने सेना के अंदर फैमिलीवाद फैला रखा, परिवारवाद फैला रखा है। सेना में, सेना की कार्रवाई में इनके परिवार का कोई भागीदारी है होनी नहीं चाहिए। इनके परिवार का क्या मतलब है सेना में? इनके परिवार, इनके बच्चे, इनकी फैमिलियां, इनकी मेन साहब लोग यहाँ कमांड कर रही हैं, उनका चल रहा है यहाँ। यहाँ वो बोलेंगे वो होगा, वो किसी को जवान बोले, जवान को बोलेंगे इसको वहां भेजो तो साहब अफसर उसी को वहीं भेजता है। क्यों? इन मेन साहब लोगों का बोलबाला है सेना के अंदर। सेना तो इन मेन साहब लोगों की उससे चल रही है, कहां से सफल हो सकती है, कहां से सक्सेस होते हो सकते हैं हम लोग? इनकी फैमिलियां कमांड कर रही हैं, जिनको कि फौज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, वो जवानों को ब्लडी बोलती हैं, उनको सलामी मारनी पड़ती है, उनको सलूट मारना पड़ता है मेन साहब लोगों को। ऑफिसर को, ऑफिसर बोलता है मुझे मारो मत मारो, मेरे मेन साहब को, ये घोटाला नहीं है, इसकी जांच नहीं होनी चाहिए। जब हम, मैं, हमारे पहनने में वो सामान आ ही नहीं रहा है क्लोथिंग वाला, तो क्यों इशू कर रहे हो? बेफालतू का क्यों खर्च कर रहे हो? गवर्नमेंट को क्यों नुकसान में डाल रहे हो? गवर्नमेंट का क्यों खर्चा कर रहे हो इतना, जब हमने कोई पहना ही नहीं? हमने अगर कोई सरकारी पहन भी लिया तो ऑफिसर उस पर उंगली उठा देता है, ये कौन सा कपड़ा है तेरा, तो क्यों हमें इशू कर रहे हो आप? जब हमने वो क्लोथिंग पहनना ही नहीं है तो इशू क्यों कर रहे हो हमें? बेवकूफ बनाने के लिए, गवर्नमेंट पर चूना लगाने के लिए सारे मिले हैं, सब घोटाले हो रहे हैं। क्लोथिंग पे भी घोटाला हो रहा है, जवानों का ये जो क्लोथिंग मिलता है ये बंद होना चाहिए, उसके बदले जवानों को पैसा दे दिया जाना चाहिए। खाने पे घोटाला है, वहां से राशन आउट हो रहा है, जवानों को आप राशन का, क्लोथिंग का पैसा दे दो, जवान अपना खा लेगा। सिविल बंदों को भी रोजगार मिलेगा, कहीं कैंटीनें खुलेंगी, और हम अपना, जहां हमें 200 रुपये मिलेंगे खाने का, हमारा खाना 100 रुपये में हो जाता है, बाकी का खाना ये आउट कर देते हैं, बेच देते हैं, पैसे ले लेते हैं, पैसे खा जाते हैं, सारे घोटाले में लिप्त हैं। लोग बोलते हैं सेना में घोटाले नहीं होते, तो सबसे ज्यादा घोटाले सेना के अंदर होते हैं, ये दावा कर सकता हूँ, क्योंकि इनको पता है यहाँ मीडिया आएगी नहीं, जवान मुंह खोलेगा नहीं, अनडिसिप्लिन में फंसा देंगे। सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार यहाँ है, सबसे ज्यादा घोटाले यहाँ हैं, तो इसके लिए हम काम करेंगे, निश्चित ही ये सब बंद करना होगा। जो अंग्रेजों के समय से चला आ रहा सेना के अंदर, जो मिलिट्री लॉ सन 47 से पहले, उस टाइम गुलामी का मिलिट्री लॉ चल रहा है, उसे खत्म किया जाएगा, और जवानों से जो गुलामी कराई जा रही है, जो अफसर कर रहे हैं, जवानों का अत्याचार कर रहे हैं, जवानों का शोषण कर रहे हैं, अपने सारे निजी काम जवानों से करवा रहे हैं, और जब पूरे जवानों को निजी काम में लगाओगे तो जो हमारा असली काम है उसे तो हम भूल ही जाएंगे ना। इसीलिए हम कहीं सक्सेस नहीं हो रहे, कहीं ऑपरेशन हमारे सक्सेस नहीं हो रहे, मुठभेड़ में हमारे जवान शहीद हो जाते हैं, जो एक हफ्ते हथियार चला के मिलिटेंट आता है वो हम पर हैवी हो जा रहा है। हमारा जन्मजात काम है हथियार चलाना, गोली चलाना, वो हम पर हैवी हो जा रहा है। कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? अब बात सिर्फ शाही बीच तक सीमित नहीं रही, बहुत कुछ गलत हो रहा है। शायद ही 100 में से 1 मामला सामने आता है तब जाके सरकार जांच के आदेश देती है। हमारे देश का रक्षा बजट सबसे ऊपर बड़ा है और ये आम लोगों के जेब से आए और पैसों का है। जवानों को सुविधा तो बहुत कुछ दी जाती है, लेकिन ये सब दिखावा है।
बहुत सारी यूनिटों में खाना भी दिया जाता है तो सिर्फ जिंदा रहने के लिए, ना कि जरूरत के लिए। सबसे सस्ता सब्जी, सबसे सस्ता फ्रूट और सबसे घटिया खाना दिया जाता है, लेकिन इन बातों का मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, इसलिए ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज मैं बात करूंगा साहेब ड्यूटी की। सेना के कुछ ऑफिसरों ने अपने जवानों को अपना गुलाम समझ के रखा है और जवानों को सब कुछ मजबूरी में करना पड़ता है, और जो मुंह खोलता है वो मारा जाता है, क्योंकि सेना का संविधान बहुत ही टफ है। मैं नहीं चाहता था कि सेना की बात कभी सोशल मीडिया में आए, इसलिए मैं दो बार छुट्टी लेके प्रधानमंत्री ऑफिस और रक्षा मंत्री ऑफिस गया। 21 जनवरी 2016 प्रधानमंत्री ऑफिस। रक्षा मंत्री ऑफिस। अट्ठाईस अक्टूबर 2016 प्रधानमंत्री ऑफिस, लेकिन कोई रिप्लाई नहीं आया। जब रिप्लाई आया तो डिसिप्लिन एक्शन का केस चलाया गया, दो बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई, एक साल तक मुझे हरासमेंट किया गया, फिर भी मैं चुप रहा। तो फिर से छुट्टी लेके दिल्ली गया 18 जनवरी 2017 को सेना भवन, लेकिन किसी ने अंदर नहीं जाने दिए। फिर एक लेटर लिखा जनरल बिपिन रावत साहब को, लेकिन कोई जवाब नहीं आया, और आखिर में मुझे चार्जशीट से नवाजा गया, क्योंकि मैंने ऑफिसरों के खिलाफ लिखा था। दो बार ऑलरेडी पनिशमेंट दे चुकी थी, और आखिर में एक अच्छे कमांडिंग ऑफिसर के अंडर में रहते हुए 14 दिन पेफेन दिया गया। अगर हम लोग किसी भी ड्यूटी करने से मना करते हैं या कोई कानून तोड़ते हैं तो तुरंत पनिशमेंट दिया जाता है, लेकिन जब अधिकारी लोग सारे आम कानून तोड़ते हैं तो क्या उनके लिए कोई कायदा कानून नहीं है? इस केस का एंडिंग और सबसे सबकी खामोशी से तो यही साबित होता है कि सेना का संविधान सिर्फ जवानों के लिए ही बने हैं, ना कि ऑफिसरों के। जय हिंद दोस्तों, मैं सिपाही सिंधु जोगीदास फिर से एक बार आपके सामने। दोस्तों, ये वीडियो भी पिछली बार की तरह आपको चोट जरूर पहुंचेगा, लेकिन बताना भी जरूरी है। मार्च 2017 में मैंने एक वीडियो वायरल किया था जिसमें मैंने सेना में चल रहे भ्रष्टाचार और सहायक ड्यूटी का जिक्र किया था। वो वीडियो वायरल करने से पहले मैं 3 बार प्रधानमंत्री जी के ऑफिस जाकर लेटर लिखे थे, 2 बार रक्षा मंत्री जी और 1 बार आर्मी हेडक्वार्टर को, जिसके बाद मेरे पे 2 बार कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई और बाद में मुझे पनिशमेंट दिया गया। फिर मैंने वो वीडियो वायरल किया था और कश्मीर में पोस्टिंग गया था, वहां जाके फिर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठाई गई जिसमें आर्मी के ही ऑफिसर रहे थे। जबकि मैंने वायरल वीडियो में सरकार से निवेदन किया था कि अब अगर जांच करवाना चाहते हो तो सारे अधिकारी सेना से ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। हालांकि बोर्ड की तरफ से कोई दबाव नहीं था, लेकिन जब माहौल और हकीकत जाननी थी तो नजरिया अलग होना चाहिए था। दोस्तों, हर देश की शान और सूरत उसकी सेना होती है, ये बात आप भी अच्छी तरह से समझते हैं, लेकिन अगर रक्षक ही भक्षक बन जाए तो इसका खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ता है। मैंने सेना में हर कदम सोच समझ कर उठाए हैं। देश के रक्षा बजट का हर पैसा आम लोगों की जेबों से आता है। देश में करोड़ों लोग गरीबी से पीड़ित है, लाखों लोग हर साल भूख की वजह से मरते हैं, हजारों लोग कर्ज की वजह से आत्महत्या करते हैं, क्योंकि कर किसी के लिए माफ नहीं है। आज हमारे बहादुर अफसर उन्हीं पैसों का गलत इस्तेमाल करके सिविल कॉन्ट्रैक्टरों से झूठे बिल पास करवाकर करोड़ों रुपए का करप्शन करते हैं, और ऐसे ही हर चीज में जरूरत से ज्यादा खर्चा दिखाया जाता है। लेकिन अब यह मामला लोगों के सामने लाना भी जरूरी है। मैंने पिछले वीडियो में अपना नंबर दिया था जिसमें से देश भर से हजारों फोन आए थे, जिसमें लोगों की अलग अलग राय और अलग अलग शिकायतें थी। तो फिर एक बार बता दूं, जब कोई फौजी मीडिया के सामने आने से पहले 100 बार सोचता है और तमाम कोशिशें करता है, क्योंकि हमारा अधिकार आम लोगों की तरह नहीं होता। हमें हमारा हक मांगने या किसी चीज का विरोध करने का अधिकार नहीं होता, और इसी मजबूरी का भरपूर फायदा उठाया जाता है। एक बार मीडिया के सामने आने के बाद बहुत तरह की मुसीबतों से गुजरना पड़ता है, इंक्वायरियां बैठती है, हरासमेंट होते हैं, जान और नौकरी का भी खतरा रहता है। जिस किसी ने भी नमस्कार दोस्तों, मैं नायब सूबेदार सुरेंद्र सिंह, फर्स्ट महल, भारतीय थल सेना। मैं पिछले 20 साल से भारतीय सेना में कार्यरत हूं। मैंने अपने 20 साल के अंदर सदा फौज में कमांडो एक्टिविटी में हिस्सा लिया है और सदा उसी का हिस्सा मैं रहा हूं। उसमें लीडर के हिसाब से और एक इन पर्सन के हिसाब से मैंने वहां पर अपना ड्यूटी निभाया है। दोस्तों, मेरे को पिछले 2 साल से सेना के एक कमांडिंग अफसर द्वारा
बहुत प्रताड़ित किया जा रहा है, उसका रीजन सिर्फ एक है कि मैंने उसके करप्शन के अगेंस्ट में आवाज उठा लिया और उसके बाद में मेरे को इतनी प्रताड़ना दी गई है कि मेरे को 11 बार ट्रांसफर ऑर्डर मिल चुके हैं और मेरे को कहीं टिकने नहीं दिया जा रहा है। दोस्तों आज मेरी हालत ये है कि मेरे को बोलने में बहुत कठिनाई हो रही है इनकी यातनाओं के कारण। मेरे को 10 बार ट्रांसफर ऑर्डर दे चुका है सीओ इसकी करप्शन के अगेंस्ट में उठाने के बोलने के बाद। मेरे को मैं ट्रेनिंग के दौरान मेरे को चोट लग गई थी, तो चोट लगने के बाद मैं एक हॉस्पिटल में इलाज के लिए गया तो वहाँ के डॉक्टरों को भी ट्रीटमेंट लेने से मेरे सीओ ने मना किया है और वहाँ के ही स्टाफ ने मेरे को बताया कि आपका सीओ के साथ क्या झगड़ा है, जबकि मेरा झगड़ा कुछ नहीं था। मेरा झगड़ा इतना है कि मैं उसके करप्शन के अगेंस्ट में था। उसके जैसे ही मैं उसके सीओ के पास पहुंचा और मैंने उनको बताया कि मैं आपसे ऊपर वाले अधिकारी को आपकी रिपोर्ट करूंगा कि आपने डॉक्टरों तक को मेरे को ट्रीटमेंट लेने से मना किया है, तो मेरे को उसने उसी दिन ट्रांसफर ऑर्डर पकड़ा दिया कि आप यहाँ से पोस्टिंग चाहिए और उसी दिन मेरे को आउट कर दिया। मेरे को वहां पर भी गैर जगह ऐसी जगह पे भेजे जहां पर मेरे पोस्ट के मेरे रैंक के हिसाब से पोस्ट नहीं थी, तो वहां से मेरे को दोबारा वहां के अथॉरिटी ने वापस भेज दिया। तो मैं रास्ते में जम्मू पहुंचा, जम्मू में ही मेरे को सीओ ने दोबारा फिर एक पोस्टिंग ऑर्डर बना दिया कि आप यहाँ से महा रेजिमेंट सेंटर जाइए। तो मैं उनका ऑर्डर मान के मेरे को वहां से